प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने आवास पर भारत के पेरिस पैरालंपियन खिलाड़ियों से मुलाकात की। अब इसका फुल वीडियो सामने आ गया है। पीएम मोदी ने इस दौरान 29 पदक जीतने के रिकॉर्ड के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी है। वहीं पेरिस पैरालंपिक के खिलाड़ी बेहद खुश नजर आए। पीएम ने जेवलिन थ्रोअर नवदीप सिंह और आर्चर शीतल देवी से कहा कि आप दोनों की रील सबसे ज्यादा वायरल हुई है। उन्होंने इस मुलाकात के दौरान पैरालंपिक के खिलाड़ियों की हिम्मत बढ़ाई। वहीं उन्होंने कहा कि पैरा खिलाड़ियों का हिस्सा लेना ही बेहद महत्वपूर्ण है। इनमें आप लोगों के माध्यम से देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूं। वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई जन है उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदले, वे उनके प्रति सम्मान के भाव से देखें, दया भाव से नहीं। वो हमें मंजूर नहीं है, दया भाव नहीं चाहिए, सम्मान से देखें, मैं तुमसे कम नहीं हूं। ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है। और मेरे दिव्यांग भाई बहनों में भी मुझे वो मिजाज पैदा कर, वो खेलते हो ना खेलते हो अलग बात है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। तो बाकी ओलंपिक्स के खिलाड़ी और बाकी विजेताओं से ज्यादा मेरे लिए आपका खेलना, आपका देश के लिए वहां जाना, वहां जाने के लिए अनेक वर्षों तक सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके पसीना बहाना, ये मेहनत कभी भी, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। क्योंकि अब आपके लिए भी, सभी दिव्यांगजनों के लिए समाज में एक नया वातावरण पैदा होना शुरू हो चुका है। व्यवस्थाएं भी विकसित हो रही हैं। हर एक को लगता है, अरे भाई मुझे भी तो हेल्प करनी चाहिए, मुझे साथ रहना चाहिए, मैं बैठा हूं खड़े, मैं खड़ा हो जाऊं उनको बिठा दूं, यानी बदलाव आता है। तो आप जो ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो एक पूरे समाज के मन को बदलने का आपका कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ मेडल नहीं, मेडल से ज्यादा आप माहौल बदल रहे हैं। हर दिव्यांग जन के मन में आप एक विश्वास पैदा कर